हमारे सभी दीदी आचार्य जी आचार्यों का, हमारे पालक और बच्चों का हार्दिक स्वागत स्वतंत्रता दिवस पर हम करते हैं। बच्चों में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार पालकों से कहूंगी, माता पिता दोनों हैं, हमारा देश कैसे आजाद हुआ, उन वीरों की बदौलत आजाद हुआ जिन्हों जिनकी माताओं ने जिनके पिता ने उनको राष्ट्रभक्ति सिखाई और 600 वर्षों गुलामी में क्यों रहा, क्योंकि रहस्य जयचंद जिनके माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिए थे कि राष्ट्र को आजाद होना है, उनकी वजह से जो है हमारा देश एक लंबे समय तक अतंत्र रहा। तो जयचंद हमारे किसी घर में जन्म नहीं लेना चाहिए, हमारे देश में जो हमारे ये शहीद जो जाबाज जो राष्ट्र की जान कुर्बान करने वाले वीर हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सूर्योदय और राजगुरु, ऐसे वीर पैदा होने चाहिए जो राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। तो ये तो मेरा पहले बालकों से कहना था कि बच्चों को गढ़ने वाले आप हैं, और बच्चों आपको भी इस विद्यालय में इसलिए आपका सौभाग्य है कि सरस्वती शिशु मंदिर में आप पढ़ने आए हैं। आपको देश के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए आपको कुछ करना है, ये आपकी सोच होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि अपने गुरु का कहना आप माने, जो सही बातें सिखाई जाती है उनका पालन करें। मैं अपनी एक राष्ट्रप्रमुख कविता के माध्यम से आज मैं अपनी बात का समापन करती हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब आजाद तिरंगा लहराया, अत्याचारी अंग्रेजों से भारत ने मुक्ति पाया, खून की कितनी नदियां बह गई वीरों के बलिदानों से, फिर भी कोई रंज नहीं था आजादी के परवानों में, हंसते हंसते वो बलिदानी फांसी के पन्ने झूल गए, खुश रहना तुम अहले वतन ये कहते कहते हुए गए, पर आए देश प्यारा, इससे बढ़कर इस जन्म में कुछ है ही नहीं।